हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है पेंटिंग ऑपरेशंस, हैजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, तो देखिए पेंटिंग ऑपरेशंस, हैजार्ड्स और प्रिकॉशन टॉपिक जो है वो आपको समझ आ रहा होगा, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का टॉपिक है। इसमें क्या बताया गया है कि देखिए पेंटिंग ऑपरेशन, जब भी हम पेंटिंग करते हैं, पेंट्स करते हैं, तो होने वाले जो जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इंडस्ट्रीज जो रहती हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट रहती है, वहाँ पे कौन सा पेंट यूज़ किया जाता है? स्प्रे पेंट, किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए। देखिए पेंट करना सिर्फ बिल्डिंग पेंट करना, दीवार पेंट करना नहीं है इसमें। इसमें टैंक्स जो होते हैं, है ना, उनको भी अंदर से बाहर से पेंट करना और बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए क्या करते हैं ये लोग, ये स्प्रे पेंट यूज़ करते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं स्प्रे पेंट करने के लिए। ठीक है, जिसकी की क्या रहती है, एयरलेस स्प्रे रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेटर्स यूज़ करते हैं ये पेंट करने के लिए। ठीक है, ब्रशेस का भी यूज़ करते हैं, पर अभी जैसे कि इस समय पे जो पेंटिंग होती है वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों से की जाती है। अब इसमें क्या होता है, देखिए केमिकल्स रहते हैं कन्फाइंड स्पेस पर, मान लीजिए वो अगर जाते भी हैं पेंट करने के लिए और वो इस तरीके से पेंट कर रहे हैं, तो आग लगने का खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ के जो फ्यूम्स हैं, फ्यूम्स अगर इस चीज़ पर पड़ती हैं, फ्यूम्स और ये मिक्स होगा तो ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी रखने हैं और हमें पेंट भी करना है, तो उनको देखते हुए दोनों तो चीज़ें हमें करनी होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी हम पेंट कर रहे हो हमें पता हो हम किस एरिया का पेंट कर रहे हैं, हमें कौन सा पेंट यूज़ करना है, ऑयल पेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी पेंट यूज़ कर रहे हैं, हमें सारी चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हैजार्ड्स हैं उनको प्रिकॉशंस भी हमें देने होंगे। अब प्रिकॉशंस कैसे, देखिए सबसे पहले जब खुद की सेफ्टी रखनी है तो खुद अपन को पीपीस वेयर करनी होंगी। ठीक है, पीपीस वेयर करने के बाद बाकी जो भी आप पेंट कर रहे हैं वो आपको जो भी प्रोसीजर दिया गया है, इस तरीके से पेंट होगा जो भी है, वो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तभी आप सेफली पेंट कर पाएंगे। ठीक है, हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं इसमें, जैसे कि ब्रीथिंग, सांस आप ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग आप कर रहे हैं। अब जो केमिकल्स, जो पेंट में जो केमिकल्स रहते हैं, जो उनकी स्मेल रहती है वो कितनी हाई रहती है, ये सारी चीज़ें भी आप अगर इनहेल करते हैं तो आपको डिजीज़ हो सकती हैं बहुत सारी। तो हमें मास्क लगा के रखना है जिससे कि हम इस तरीके की स्मेल्स को इनहेल ना करें। ठीक है, ओवर एक्सपोजर से बचें, जहाँ भी पेंट चल रहा है कोशिश करें वहाँ कोई आग लगने वाली रीजंस ना बनने पाए। ठीक है, क्योंकि अगर आग इन केस एक्सप्लोजन होता है किसी भी चीज़ का, तो एक्सीडेंट उस लेवल का बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो हर चीज़ से सेफ्टी रखनी है, हमें छोटे छोटे एक्सीडेंट से भी अपनी वर्क प्लेस को बचाना है, हमें हर चीज़ हर जगह से सेफ्टी रखनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो प्रिकॉशंस लेने के लिए यही कि हम किस जगह पर वर्क कर रहे हैं हमें पता हो। ठीक है, क्या उसमें क्या क्या हैजार्ड जा सकते हैं, और पूरा अपना बॉडी प्रोटेक्शन हमें रखना है, आई ईयर सब कुछ, और अस्थमा अगर किसी को है तो वो उस काम को, या मतलब जिनको होती है ना टाइट चेस्ट टाइटनेस वो हो, तो वो इस तरह के कामों को वो ना करें। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, उन्हें और भी डिसीजेज हो सकती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, हमें ये भी चेक करना है कि हमने जो भी स्प्रे पेंट सेफ्टी क्या रखनी है। देखिए स्प्रे पेंट सेफ्टी में जो है आपको सबसे पहले तो पीपीज वेयर करना है प्रॉपर, जो भी मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है आपको पता होना चाहिए कौन सा कितना हज़ार डेज मटेरियल है, उस हिसाब से आप खुद को सेफ रखेंगे। पेंट वर्क में सिर्फ वही लोग अलाउ होते हैं जो लोग उस बारे में जानते हैं, जिनको नॉलेज होती है, एक्सेट्रा अदर पर्सन जो हैं वो वर्क नहीं कर सकते हैं। फिर भी वो अगर इन केस वहाँ जाना भी चाहते हैं, विजिट भी करना चाहते हैं, तो उनको प्रॉपर पीपीज वेयर करनी होंगी, तभी वो उसके अंदर विजिट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे पर्सनल प्रोटेक्टिव प्रिकॉशंस जो हैं वो यही है सबसे अच्छे कि आप पीपीज वेयर करें। ठीक है, मास्क पहने, वो हेडफोन लगाएं, आप हेडफोन जो होता है ना फायरमैन के लिए वो, ठीक है, उसके बाद आई गॉगल्स आप लगाएं और हैंड ग्लव्स पहने पेंट करने से पहले, तो ये सारी चीज़ें भी आपको सेफ्टी प्रिवेंट करती हैं, है ना, आपको बचाती हैं नुकसान होने वाली चीज़ों से। जैसे आप दौड़ के पेंट जो कर रहे हैं, जहाँ भी खड़े होकर पेंट कर रहे हैं, इन केस आप गिर भी जाते हैं, चोट लगती है, तो उसके लिए भी आप पीपीज वेयर करेंगे ही, कि आपको कोई नुकसान ना होने पाए, यही हमारी कंपनी की पॉलिसी है।
कि जो भी वर्कर वर्क कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो पेंट सेफ्टी में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें ध्यान रखना होगा इस तरह की फ्यूम्स होती हैं, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स रहते हैं वो आग ना पकड़ दें, बस इस तरीके की हमें सेफ्टी वहाँ पर प्रिवेंशन देनी है, ठीक है। मैंने ये आज आपको इसके बारे में बताया, पेंटिंग के बारे में। देखिए पेंटिंग ऑपरेशन हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, क्योंकि इसमें से जो भी आपका पेंट है, सेफ्टी है, फिनिशिंग है, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आज कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का एक छोटा सा टॉपिक था, पेंट ऑपरेशन हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस। सो थैंक यू।